अस्सलाम वालेकुम यार, मतलब तमाम मोमिन को, देखने वालों को, सुनने वालों को, और जो कि हम ये इस वक्त लाइव जश्न जो है हम इस वक्त स्टार्ट कर रहे हैं, जो जो इस जश्न में आता रहेगा उसको हमारी तरफ से खुश आमदीद। मैं नौ खान मरकू खान मोहसिन रज़ा हाशमी आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। काफ़ी अर्से के बाद अली अब्बास प्रोडक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे काफ़ी अर्से से हमारा था आने का यहाँ पर अली अब्बास प्रोडक्शन पेज पर, जो कि मसरूफियत की बिना पे नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज हम हाज़िर हैं आप लोग की खिदमत में। और मनकुत खानी होगी, जिक्र मौला होगा और एक बेहतरीन जश्न होगा। अच्छा, एक मनकबत से अपनी नौकरी का मैं आगाज़ करता हूँ, उसके बाद इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बावाज़ बुलंद नारे सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। हाथ उठाए हैं मांगने के लिए या इलाही अता अता कह कर, हाथ उठाए हैं मांगने के लिए या इलाही अता कह कर, तो दे दिया है अली ने सब मुझको, मेरे बंदे दिया दिया कह कर। शेर काबिल गौर समातों की नजर। यकीन मैं समझता हूं कि हम लोग अगर उस दौर में मौजूद होते, अहले बैत के दौर में, तो हम आज के मोमिन से ज्यादा खुश नसीब एक मोमिन होते कि अहले बैत को देखते, अहले बैत के घर का माहौल देखते। लेकिन यकीन हम खुश नसीब आज भी हैं कि अहले बैत के घराने से हम लोग मंसूब हैं। शेर काबिल गौर समातों की नजर। अहले बैत का एक्चुअल और एक खास घर का माहौल पेश करूं शेर में समातों की नजर। जैसे आए बाहर पेड़ों पर ऐसे हंसता था सानिये हैदर, जब सकीना उसे बुलाती थी रात और दिन, चचा चचा कह कर। शेर काबिल गौर समातों की नजर। किस पे हैरान खुद सखावत है तेरी अल्लाह, हाँ जैसी आदत है मेरा कशकोल भर दिया तुमने, मेरे मौला जरा जरा कह कर। शेर काबिल गौर। काम जो बस खुदा ही करता है कुछ तो वैसा ही उसने देखा है, अरे यूं ही काफिर नहीं हुआ है नुसैर, मुर्तजा को खुदा खुदा कह कर। ये कलाम मैं जनाब अरसलान आजमी साहब का लिखा हुआ आप लोगों की समातों की नजर में कर रहा था। हम दुआ करते हैं कि मौला अरसलान आजमी साहब के भी जोरे कलम में मौला मजीद इजाफा करें। और माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे पढ़ने वाले, अच्छे अच्छे सुनने वाले इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारा बहुत ही प्यारा भाई फरदीन भी इस वक्त हमें देख रहे हैं। मौला इनकी भी नौकरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, लाही हम सुमामिन। इसी के साथ साथ मेरा भी एक कलाम रिलीज होने वाला है, आज उसका पोस्टर रिलीज हुआ, इसकी रदीफ है रुक जा। तो समातों की नज़र में वो कलाम मैं करता हूँ, यकीन यहीं से इस प्रोडक्शन से ही हम आगाज करते हैं इस कलाम का। इंशाल्लाह मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वह कलाम अपलोड होगा। मैं तमाम मोमिन से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग देखिएगा और उसका फीडबैक दीजिएगा इंशाल्लाह। मुझे पेश कर रहा हूं। आ रहे हैं अली जरा रुक जा,
रहे हैं। अली जरा रुक जा, मौत से मैंने कह दिया रुक जा। शेर का आप लोग और समातु में यकीनन कई ऐसे लोग इस वक्त मौजूद होंगे जो हमें देख रहे हैं, और जो करबलाए मौला की जिन्होंने ज्यारत की होगी, जिसने ज्यारत की है यकीनन ये शेर उसके ज्यादा करीब होगा, जिसने ज्यारत नहीं की तो मौला खाने रैब से इसी साल उनको अपने रोजे की ज्यारत नसीब अता फरमाए, और जो गए हैं मौला उनको बार बार अपने रोजे की ज्यारत नसीब अता फरमाए। शेर काबिले गौर समातों की नजर, जब हम करबला जाते हैं तो दिल में भी एक खूबसूरत सी एक जो ना ऐसा एक ऐसा साथ उठते हैं, एक एहसास आता है दिल में खूबसूरत सा, वो एहसास क्या है पेश करूं कि रूह कहती है चल न जाफ को चले, रूह कहती है चल न जाफ को चले, दिल ये कहता है करबला रुक जा, दिल ये कहता है करबला रुक जा। अच्छा, जब मैं करबला गया सरकार, मैंने दिल की मान ली और मैं करबला रुक गया, जब मैं करबला रुका तो मैंने मौला गाजी अब्बास सरकार के रोजे पे क्या देखा, समातों की नजर कि दर पे गाजी के आ गई है तू, अब इसी दर पे ए वफा रुक जा, अब इसी दर पे ए वफा रुक जा। बड़ा अकीदत का ये मैं शेर पेश करने लगा हूँ, और यकीनन मैं समझता हूँ कि मेरे सामने मोमिन मौजूद है और आप लोग भी अकीदत से ही सुनेंगे। समातों की नजर करता हूँ कि दुनिया मर जाए सारी घुट घुट कर, दुनिया मर जाए सारी घुट घुट कर, गर अलम हुक्म दे हवा रुक जा, गर अलम हुक्म दे हवा रुक जा। रजब और शाबान के प्रोग्राम की मसरूफियत की वजह से थोड़ा सा गला थका हुआ, उस बात को दरगुजर करते हुए मैं गुजारिश करूंगा तमाम मोमिन से, मेरे अशार पे तवज्जा कीजिएगा, गले को ना देखिएगा, बस मैं इस वक्त यहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। अली अब्बास प्रोडक्शन की टीम के मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे मधु किया और मुझे इस नौकरी करने का मौका दिया। मैं पेश करता हूँ समातों की नजर इसका एक ही बहुत खूबसूरत शेर, मौला हुसैन की सखावत कि देते शबीर सात लाख पिसर, देते शबीर सात लाख पिसर, अरे वो तो राहिब ने कह दिया रुक जा, वो तो राहिब ने कह दिया रुक जा। शेर काबिले गौर समातों की नजर, यकीनन मेरे सामने पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि काफिया क्या है रदीफ क्या है, पेश कर रहा हूं। अच्छा, रदीफ चल रही है रुक जा, अगर इसके साथ जा लग जाएगा तो रदीफ का मायने बदल जाएंगे, लेकिन अरसलान आजमी ने माशाल्लाह इस खूबसूरती से जा को लगाया है कि बहुत ही इस शेर को मजीद उमदा बना दिया, बहुत ही खूबसूरत बना दिया। पेश करता हूं मौत महब से बोली खैबर में, मौत महब से बोली खैबर में, सामने मत लेके जा रुक जा, बहुत बहुत शुक्रगुजार तमाम इतने माशाल्लाह मौला के मोमिनीन तारीफ कर रहे हैं दुआएं दे रहे हैं, मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। शेर का आप लोग और समातों की नजर, हशर का मैदान जब मैं जहनों में ये रखिए
कि मौला गाजी अब्बास सरकार हश्र में इंशाल्लाह आएंगे और मौला हुसैन के साथ होंगे, आखिरी इमाम के साथ होंगे। ये मंजर दिमाग में रखिए, शेर सुनिए, समातों की नजर कि शह से बोलेंगे शह से बोलेंगे शह से बोलेंगे हश्र में गाजी शह से बोलेंगे हश्र में गाजी आज मुझसे न बोलना रुक जा आज मुझसे न बोलना रुक जा। बहुत ही खूबसूरत शेर समातों की नजर कि तेरी दाढ़ी को चूम लूं सलमान तेरी दाढ़ी को चूम लूं सलमान बोले यूसुफ करीब आ रुक जा बोले यूसुफ करीब रुक जा। शेर काबिले गौर समातों की नजर। आप यकीन कीजिए जितने लोग सब मुझे देख रहे हैं, आप यकीन कीजिए मैंने पूरी मन खपत सिर्फ इस शेर के लिए पढ़ी है। यकीनन हम लोग सोते हैं बैठते हैं उठते हैं खाते हैं पीते हैं, ये यकीनन बीबी सैयदा के कदमों का सदका है हम तमाम मोमिन को। अब शेर समातों की नजर कीजिए कि भूखा मर जाए रिस्क वाला मलक भूखा मर जाए रिस्क वाला मलक रब अगर कह दे फातिमा रुक जा रब अगर कह दे फातिमा रुक जा रहे हैं अली जरा रुक जा। मक्तक पेश खिदमत समातों की नजर कि शेर अज़लान रात भर लिखता शेर अज़लान रात भर लिखता गर ये मोहसिन न बोलता रुक जा गर ये मोहसिन न बोलता रुक जा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुझे अगर आप लोग थके ना हो तो मुझे एक और मनखबत याद आ रही है, अगर नहीं थके तो मुझे कमेंट सेशन में बताइए कि आप लोग बेदार हैं, मैं एक और मनखबत जनाब अख्तर सिज़वी साहब की लिखी हुई समातों की नजर आप लोग के कर देता हूँ। छोटे हजरत के हवाले से मतला है बहुत ही खूबसूरत, फिर आगे जनरल मनखबत पूरी वो चल रही है। समातों की नजर मैं करता हूँ बावाज़े बुलंद नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हर तीर हुरमोला तेरा बेकार जाएगा हर तीर हुरमोला तेरा बेकार जाएगा अरे पोता अली का कैसे भला हार जाएगा पोता अली का कैसे भला हार जाएगा हर तीर हुरमोला तेरा बेकार जाएगा। शेर का आप लोग और समातों की नजर बड़ा हकीकत पर मबनी शेर के जाता है के इसके साथ भला कौन कब्र में जाता है के इसके साथ भला कौन कब्र में खाके शिफा के साथ आजादार जाएगा
हर तीर हुरमोला तेरा बेकार जाएगा। ये शेर बड़ा खूबसूरत मैं आप लोग की समातों में नजर करूं। मैंने आज से पहले इस तर्ज इस अंदाज का शेर सुना नहीं। अगर किसी शायर ने लिखा हो तो मौला उसको उस शेर का अजर अजीम अता फरमाए, लेकिन मैं आप लोग की समातों की नजर में शेर करता हूं कि पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की। करबला का मैदान, पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेजे पे करबला का जमींदार जाएगा। हर तीर हुर पोला तेरा बेकार जाएगा। खूबसूरत शेर समातों की नजर। बहलोल तू बहिश्त बना और मैं ताजिया, बहलोल तू बहिश्त बना और मैं ताजिया, देखेंगे किस तरफ को खरीदार जाएगा। हर तीर हुर मोला तेरा बेकार जाएगा। बावाज़े बुलंद नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आली मोहम्मद। हर शे हर मनकबत मौला के करम से 9-9, 10-10 अशार की है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मनकबत मैं आप लोग की समातों की नजर कर दूँ। भले उसके शेर थोड़े कम पढ़ दूँ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मनकबत आप लोग की समातों की नजर में कर दूँ। ये कलाम भी अख्तर सस्तवी साहब का लिखा हुआ था, और जो मैं अब कलाम पेश करने लगा वो भी अख्तर सस्तवी साहब का लिखा हुआ, इंडिया के माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन शायर। अच्छा, साथ साथ मैं आप लोग से एक मैं दुआ की गुजारिश करूंगा कि अभी पिछले हफ्ते ही मेरे वाले